कुछ भूलने की कोशिश करिए जो आप जानते हैं। अब समझे मेरा मतलब, ये इम्पॉसिबल है। आप भूलने की जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा वो आपको याद रहेगी। हमारे पास दो किस्म की मेमोरी है, ओनली टू काइंड्स। एक है ट्रेन मेमोरी और दूसरी अनट्रेन मेमोरी। आपकी मेमोरी पैदाइश के वक्त मेरी जितनी ही थी, बिल्कुल सेम, पर मेरी मेमोरी ट्रेन है, आपकी नहीं। भले ही आप सोचें कि आपकी अच्छी मेमोरी है या बेहतरीन मेमोरी है या गजब की मेमोरी है, मैं आपको ऐसी मेमोरी दूंगा जो आप कभी सोच नहीं सकते, और वो भी हंसते खेलते। आप पाएंगे एक बढ़िया मेमोरी। कई लोगों की जिंदगी सोच में डूबी रहती है। मैं आपको रोजमर्रे की सोच से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं आपको सोचने का एक नया अंदाज सिखाऊंगा जो बेहतर होगा। मैं चाहता हूं आपको मिले ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा इफेक्टिवनेस और सक्सेस आप जहां भी हों। मैं आपको देना चाहूंगा एक ऐसा एडवांटेज जिससे आपको वो सब याद रहे जिसे आपने एक बार देखा हो, सुना हो या पढ़ा हो। कुछ भी याद रखने की दो बातें होती हैं। यादें दो बातों पर आधारित हैं, वो है एसोसिएशन और ऑब्जर्वेशन। मैं यहां ऑब्जर्वेशन पर वक्त खराब नहीं करूंगा। हाँ, सिर्फ इतना कहूंगा कि हम में से अधिकतर ठीक से ऑब्जर्व नहीं करते हैं। यू सी, ऑब्जर्वेशन दिमाग से की जाती है, आंखों से नहीं। ये जान लीजिए कि बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है ऑब्जर्वेशन और देखने के बीच। और मेरे ट्रेंड मेमोरी सिस्टम में एक खास बात है, और वो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानने की क्षमता, यानी कि अधिक ऑब्जर्वेशन की क्षमता, इमेजिनेशन की प्रखर शक्ति और कंसंट्रेशन। ये सारे के सारे गुण एक साथ हैं, हाथ से हाथ मिलाए ऑटोमेटिकली। एक रूल देता हूं आपको जो हर मेमोरी में लागू होगा। कोई नई चीज याद रखने के लिए उसका संबंध जोड़िए इन सम रेडिकुलस वे किसी ऐसी चीज के साथ जो आप जानते हो या याद हो। दो चार शब्द या कोई मुहावरा इन सम रेडिकुलस वे मेरी देन है इस रूल को, और ऑनेस्टली यही काम करता है, इसी से यह बना है वर्केबल। मैं आपसे ये रूल अभी अप्लाई करवाऊंगा। वैसे हकीकत में मैं इस विषय पर दिन भर बोल सकता हूं और आप कहेंगे हां सही बोल रहा है, पर जब तक आप खुद कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो जिंदगी में पहले कभी नहीं किया, आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। देखें क्या आपसे कुछ ऐसा करा पाता हूं मैं जो आपने पहले कभी ना किया हो। अगर मैं यही कोई 6 या 7 या 8 कुछ अलग अलग चीजों का नाम लूं एक बार, कहिए आप क्या उन्हें उसी सीक्वेंस में याद रख पाएंगे, फॉरवर्ड्स या बैकवर्ड्स? जैसे मेरे लाइव सेमिनार या लेक्चर्स में होता है, आप अभी हंसकर कह रहे होंगे आर यू क्रेजी, ये इम्पॉसिबल है। वेल, ये इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर में आप खुद इसे पॉसिबल कहेंगे जब मालूम होगा कैसे। चलिए हम चुनते हैं 6 या 7-8 आइटम्स जितने कि हम थोड़े वक्त में कर पाए, चाहे जितने भी हों। और ये कुछ भी हो सकते हैं, ये आपके कल की अपॉइंटमेंट की लिस्ट हो सकती है, या आपको कल कहां कहां जाना है, जैसे आपकी स्पीचेस या 7-8 सेल्स कॉल्स, या कोई भी 7 या 8 चीज जो आप किसी वजह से याद रखना चाहते हैं। इसका एप्लीकेशन आपके ऊपर है। मैं इंटरेस्टेड हूं मेथड में, इसके रिजल्ट में। मुझे देखना है कि ये 8 आइटम्स आपको याद रखने हैं, वैसा ही करें जैसा मैं कहूं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कल आपको पहली चीज जो करना है, पहला आइटम आपकी स्पीच का या अपनी स्पीच की पहली टॉपिक का या सेल्स रिपोर्ट का ताल्लुक है बुक से। आपको याद रखना है बुक। अब इस वक्त मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि आप दिमाग में सोचिए एक फेमिलियर बुक। शुरू में जानी पहचानी चीज सोचना आसान है। आप अपने मन में एक बुक की तस्वीर बनाइए। जब यह कर लिया तो इसे सोचना बंद करें और चलिए दूसरे आइटम पर। अगला आइटम जो आपको किसी भी वजह से याद रखना है, या अगला काम जो कल करना है आपको, या अपनी स्पीच का अगला विषय है एक सिगरेट। शायद आपको अपनी स्पीच में यह कहना है कि ऑफिस का एक खास हिस्सा नो स्मोकिंग जोन होगा कल से, या आपको ऐसे काम पर जाना है जिसका ताल्लुक है सिगरेट से, ऐसे ही कुछ। अब यहां हम रूल अप्लाई करना शुरू करेंगे। याद है रूल, किसी भी नई चीज को याद रखने के लिए उसे एसोसिएट कीजिए कोई ऐसी चीज से जो आप ऑलरेडी जानते हो या याद है आपको। अब यह शब्द एसोसिएशन आपने जिंदगी भर जरूर सुना होगा, पर वो हमेशा ही एक धुंधला सा, अस्पष्ट, कोहरे में ढकी एक चीज है जो सही मायने में आपके दिमाग में कभी नहीं बैठी। खैर, अब यह आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये कोई धुंधला अस्पष्ट शब्द नहीं है। एसोसिएशन का सही मतलब है टू कनेक्ट, दो चीजों में रिश्ता जोड़ना। एक चीज से आपको दूसरे की याद आनी चाहिए। ओके, तो किसी नई चीज को याद रखने का रूल है, और हम यहां मानकर चलेंगे कि वो नई चीज है सिगरेट। ऐसी कोई चीज जो हमें याद हो या जानते हो उससे इसका कोई रिडिकुलस संबंध होना चाहिए, और हम ये मानकर चलेंगे कि हमें जो चीज याद है वो है बुक। इसलिए अब हम कोई सिली
पिक्चर अपने दिमाग में बनाएंगे उन दो चीजों को लेकर जो यहाँ मौजूद हैं, बुक और सिगरेट। तस्वीर लॉजिकल ना हो, मैं नहीं चाहता कि आप सोचें कि अपने बेड साइड टेबल पर सिगरेट पैकेट और बुक पड़ी है। ये लॉजिकल है और हमेशा लॉजिकल साधारण रोजमर्रे की घिसी पिटी बातें ही हम भूल जाते हैं। हमेशा ऐसी अनयूजुअल, अनोखी, अद्भुत, उटपटांग, अनहोनी बातें हमें याद रहती हैं। क्यों ना हम अपनी इस नेचुरल बात का फायदा उठाएं। ओके, मुझे एक सिली, इम्पॉसिबल, क्रेजी पिक्चर, एक उल्टी पुल्टी तस्वीर चाहिए बुक और सिगरेट की। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी बुक जिसे खोलते ही उसमें से लाखों जलती हुई सिगरेट उड़कर आपके चेहरे से टकराए। लाखों का मतलब है ढेर सारे, ताकि वो एक अजीब सी घटना लगे। आप सोच सकते हैं कि सिगरेट की जगह आप बुक स्मोक कर रहे हैं। एक चीज का काम दूसरे से करने की सोचें तो तस्वीर उल्टी पुल्टी बनती है। यहां सिगरेट की बजाय आप बुक यूज कर रहे हैं, बुक स्मोक कर रहे हैं। सिगरेट की जगह आप सोच सकते हैं एक जायगेंटिक बुक, स्मोकिंग अ सिगरेट। है ना ये अजीबोगरीब? जायगेंटिक यानी किसी को हकीकत से बड़ा देखना, अपने आप में एक सिली पिक्चर है। और ऊपर से ये सोचना कि वो सिगरेट पीकर धुआं छोड़ रही है, इस तस्वीर को और भी सिली और अजीबोगरीब बना देती है। इनमें से एक चुन लें, या फिर वो जो आपने सोचा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं आपको बार बार कहकर बोर करूंगा, वो ये कि इस पिक्चर को अपने मन की आंखों में देखिए, अपने दिमाग में ये तस्वीर उतारिए, उस बुक और सिगरेट की। इसलिए थोड़ा वक्त देता हूं मैं आपको। वो पिक्चर दिमाग में बैठ गई हो तो सोचना बंद करें। चलिए अब अगले आइटम पर। अगली चीज जो आपको याद रखनी है वो है जूता, और हम आगे चलकर जूते के बारे में सोचेंगे। अब हम उस चीज के बारे में सोचेंगे जो हमें ऑलरेडी याद है, और वो है सिगरेट्स। अब बुक के बारे में सोचना बंद करें। यहां हम सोचेंगे कि सिगरेट को हम जानते हैं, और इससे जूते की याद आनी चाहिए। यूज द सेम आइडिया। आप सोचें एक बड़ा सा जूता, स्मोकिंग। ये भी सोच सकते हैं कि जूतों की बजाय दो जलती हुई सिगरेट्स पहन रखी हैं आपने, और जब आप चलते हैं पांव जलता है। ओके, सोचिए एक बड़ी सी सिगरेट ने जूता पहना है। मैं आपको हर एक के कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, पर हमें चाहिए सिर्फ एक। तो कोई भी एक पिक्चर चुन लीजिए, आपकी सूची हुई हो तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि आपने सोचा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे मन की आंखों से देखिए। ओके, यह है सिगरेट से जूता। इमेजिन नाउ, अगर देख लिया है तो और मत सोचिए, और अगर मेरी रफ्तार तेज है तो घबराइए मत। डोंट वरी अबाउट स्पीड, क्योंकि यही खासियत है वीडियो टेप की, है ना। अगर मैं ज्यादा तेज हूं तो आपको सिर्फ उस रिमोट का बटन प्रेस करना है, और मैं फिर से यह रिपीट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे तो मुझे रोक सकते हैं, जैसे काफी लोग करना चाहेंगे। जो भी हो, कंट्रोल्स आपके हाथ में है। ओके, अगर पिक्चर देख लिया हो तो सोचना बंद करिए। अपने मन की आंखों में यह तस्वीर आप कितनी देर देखते हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी उस पिक्चर की। उस पिक्चर को क्लियरली देखिए, उसे देखने में आपको एक पल लगेगा। ओके, अब जिस चीज को हम जानते हैं वो है जूता। नई चीज जो अब हमें याद रखनी है वो है टाइपराइटर। अपने दिमाग में जूता और टाइपराइटर को लेकर एक सिली पिक्चर बनाइए। सोचिए एक विशाल जूता टाइप कर रहा है। ये बेहुदा है, नामुमकिन है। सोचिए आपने अपने दोनों पांव में टाइपराइटर पहन रखा है जूतों की जगह। एक्चुअली ये तस्वीर देखिए, एक बड़े से टाइपराइटर ने जूता पहना है। इनमें से कोई भी चलेगा, चुन लीजिए, या जो आपने सोचा था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे अपने मन की आंखों से देखिए। ऐसा नहीं किया तो ये काम नहीं करेगा। ये पिक्चर देखना जरूरी है। क्या आप ऐसा ही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ना? अगर हां तो हाथ ऊपर उठाइए। गुड, मैं आपके सामने नहीं हूं, पर मैं चाहता हूं कि आपके पास बैठे लोग देखें कि आपने हाथ उठाया, और आप देखें कि उन्होंने हाथ उठाया। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो मेरा सुझाव है कि टेप रिवाइंड करिए और वापस शुरू करिए, वरना आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि यह आप पर असर कर रहा है या नहीं। जरूर ट्राई करें। अगर आपने जूते की और टाइपराइटर की तस्वीर देख ली है तो अब उनके बारे में सोचना बंद कर दें। हमारा नेक्स्ट आइटम जो हमें याद रखना है वो है एक पेड़। शायद आपकी स्पीच का अगला टॉपिक है, या आपकी लिस्ट की अगली चीज, या कोई ऐसा काम जो आपको अगले दिन करना है, और वो पेड़ से संबंधित है, एक जंगली पेड़ से। उसका नाता जोड़िए टाइपराइटर से। टाइपराइटर से याद आना चाहिए एक पेड़। कैसे? सिली पिक्चर। जैसे पेड़ में पत्तों की जगह लाखों टाइपराइटर लटक रहे हैं और पेड़ टाइप कर रहा है, दैट्स सिली। कुछ भी चलेगा, जैसे आपके गार्डन में पेड़ की जगह एक ह्यूज टाइपराइटर उगा है, आप पानी डाल रहे हैं, जैसे ही पानी डालते हैं वो बढ़ता है पेड़ की तरह। इनमें से कोई भी चुन लीजिए और वो तस्वीर देखिए। तस्वीर देखना सबसे इंपॉर्टेंट है।
अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि अब तक आपको समझ में आने लगा होगा। अगली बात जो कल आपको सेल्स रिपोर्ट में लिखनी है या कल जो अगला काम करना है उसका ताल्लुक लिफाफे से है। शायद आपको 1,00,000 लिफाफे ऑर्डर करने होंगे। जो भी हो, ओके। अब पेड़ से आपको याद आनी चाहिए लिफाफे की सिली पिक्चर। लाखों लिफाफे पेड़ पर उग रहे हैं, पत्ते नदारद हैं या फिर आप पेड़ को थूक लगाकर उसे लिफाफे की तरह सील कर रहे हैं। पेड़ और लिफाफे को लेकर कोई भी सिली पिक्चर अजीबोगरीब सी। देखिए वो पिक्चर। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है एक शर्ट। मान लीजिए कल सवेरे आपको जो करना है उसका ताल्लुक शर्ट से है, या कल जिस प्रोडक्ट पर आपको सेल्स स्पीच देनी है वो है मैन शर्ट या मेन शर्ट। तो आपको शर्ट और लिफाफे के बीच कोई सिली पिक्चर देखनी चाहिए। आप अपनी शर्ट की जगह लिफाफा देख सकते हैं। देख सकते हैं कि आपने शर्ट नहीं बल्कि लिफाफे पहन रखे हैं, या एक बड़े से लिफाफे ने शर्ट पहन रखा है। ये सारे सिली हैं। इनमें से एक अपने मन की आंखों से देखिए क्लियरली। अभी देखिए, चलिए कुछ और लेते हैं। हमें याद रखना है कैंची। यह आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है। कैंची से कुछ तो करना है आपको कल। शायद इस पर सेल स्टॉक देना है। संबंध जोड़ें शर्ट्स और कैंची का। शर्ट से कैंची की याद आनी चाहिए सिली पिक्चर। सोचिए आप शर्ट के बदले में कैंची पहन रहे हैं और वो आपको चुभ रही है, दर्द हो रहा है, या एक बहुत ही बड़ी कैंची ने शर्ट पहना है, या आप देखें कि अपनी एक कीमती शर्ट को आप बहुत बड़ी कैंची से काट रहे हैं। ये इम्पॉसिबल तो नहीं पर बहुत बेवकूफी और सिली सा जरूर है। तो इनमें से कोई भी चलेगा। बस यही हमारी आखिरी आइटम है। तो ध्यान से, अगर आपने क्लियर पिक्चर नहीं देखी तो आपको याद नहीं रहेगा। तो ये पिक्चर देखिए, एक शर्ट और कैंची। इमेजिन कीजिए जैसा मैंने कहा है। अगर आपने किया हो तो हाथ ऊपर उठाइए। किया है, गुड। नहीं किया तो याद है ना मैंने पहले क्या कहा था। टेप रिवाइंड करके दोबारा करिए क्योंकि मैं अभी आपका टेस्ट लूंगा। आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे अगर मेरा कहा मानकर चले हों तो। आपको मेरी बातों का यकीन नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि आपको कुछ याद होगा उन 8 चीजों में से। वो आपके कल के सारे अपॉइंटमेंट्स या स्पीच के टॉपिक्स या सेल्स रिपोर्ट। वेल, देख लीजिए खुद। आपको पहला वाला याद करने में कुछ मुश्किल हो सकती है क्योंकि मैंने आपको अब तक उसका रिश्ता जोड़ना नहीं सिखाया। शुरू से कोई भी आइटम लेकर आगे बढ़ना ज्यादा आसान है, फिर ये खत्म कहां होगा जहां से हमने शुरू किया था। ओके, अगर वो आपको याद नहीं, याद है तो बहुत अच्छा, पर अगर वो याद नहीं तो पहला वाला मैं आपको बता दूंगा, वो है बुक। आपको याद होगा। सोचिए एक बुक थोड़ी देर तक, और अगर आपने वाकई कोई सिली पिक्चर बनाई थी बुक और किसी और चीज के बीच तो वो चीज आपको अभी याद आएगी। बुक क्या कर रही थी या आप बुक के साथ क्या कर रहे थे? क्या आपके बुक खोलते ही कुछ हुआ था? कुछ याद आता है आपको क्या? सिगरेट, ऑफकोर्स। बुक से याद आया सिगरेट। थोड़ी देर सिगरेट की सोचिए। आप सिगरेट के साथ कौन सी बेहूदी हरकत कर रहे थे? बिल्कुल, आप स्मोक कर रहे थे जूता बजाय सिगरेट के। जी हां, आजकल लोग कुछ भी स्मोक करते हैं पर हम खुद को जूते तक ही सीमित रखेंगे और ये तो वाकई बहुत सिली है। ओके, सिगरेट से याद आया जूता। अब जूते के बारे में सोचिए एक पल। आप जूते के साथ क्या कर रहे थे जो कि सिली था, या जूता क्या कर रहा था? मैं ज्यादा बात कर रहा हूं ताकि आपको याद करने का थोड़ा वक्त मिले। क्या था वो? ऑफ कोर्स टाइपराइटर। और शायद आप टाइपराइटर पहन रहे थे जूते के बदले में, या जूता टाइप कर रहा था। सोचिए टाइपराइटर। टाइपराइटर से क्या याद आता है आपको? वो कहां पर उग रहे थे? एक पेड़ पर, और कहां? ये सब आपको याद होगा। अब पेड़ पर क्या उग रहे थे? लिफाफे। बिल्कुल ठीक। अब सोचिए वो लिफाफा, आप लिफाफे में क्या सील कर रहे थे? वो एक विशालकाय लिफाफा क्या कर रहा था, यह आपको याद दिलाएगा। एक शर्ट। एग्जैक्टली, सोचिए एक शर्ट पल भर को। क्या याद आया आपको? कैंची। और क्या? सोचिए कैंची के बारे में एक पल। कैंची से क्या याद आया आपको? कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये लास्ट आइटम था, आगे कुछ नहीं। आपको थोड़ा और हैरत में डालते हैं। सोचिए कैंची, इससे क्या याद आता है आपको? आगे तो और कुछ है नहीं, तो वापस पीछे की ओर चलिए और आपको याद आएगा एक शर्ट। सोचिए शर्ट। तो क्या याद आया आपको? तो याद आया लिफाफा। और क्या? खुद करते रहिए अब, और देखिए आप बुक तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। अगर टेप स्टॉप करके वापस करना चाहते हैं तो वैसा करिए।